केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल अलीगढ़ ने केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए अलीगढ़ के चौधरी चरण सिंह गेस्ट हाउस बरनाले में हवन यज्ञ किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि वह केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे कि केंद्र की सरकार किसान विरोधी बिलों को वापस लेकर जल्द ही किसान आंदोलन को समाप्त कर किसानों पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे ही चौधरी चरण सिंह अतिथि गृह बरनाले में जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल चौधरी भानु प्रताप सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में कार्यकर्ता और पदाधिकारी समय से जुटने लगे। हवन के बाद जिला अध्यक्ष चौधरी भानु प्रताप सिंह ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार किसानों का बहुत अधिक उत्पीड़न किए हुए है। लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी किसान धरना देने पर मजबूर हैं और केंद्र सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है, जिसके पास दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान की फरियाद भी नहीं पहुंच पा रही है। सरकार के लिए यह बड़े ही शर्म की बात है कि वह किसानों को दिल्ली में प्रवेश भी नहीं करने दे रही है। सरकार का हमेशा से ही यह कहना रहा है कि पूरा देश हमारा है और हम पूरे देश के हैं, और देश की बात तो छोड़िए, राजधानी लखनऊ में ही देश भर से जुटे हुए किसानों से बात तक करने का उनके पास समय नहीं है। इतनी भीषण ठंड में भी बुजुर्ग किसान बहन बेटियों के साथ खुले में सड़क पर रात दिन लगातार बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनसे वार्ता तक नहीं कर रही है। सरकार मनमानी की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। वह कभी किसानों के ऊपर पानी की बौछार छोड़ते हैं तो कभी आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। देश के अन्नदाता के साथ हो रहे अत्याचार का राष्ट्रीय लोक दल विरोध करता है और किसानों की लड़ाई में हर तरीके से उनके साथ है। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि धरना ना तो किसानों के हित में है, देश हित में है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस हवन यज्ञ के बाद उनकी बुद्धि में कुछ सुधार आएगा और वे किसानों से वार्ता कर इसका कोई हल अवश्य निकालेंगे। इस अवसर पर प्रतीक चौधरी एडवोकेट मास्टर विजयपाल सिंह, छिद्दी सिंह नेताजी, विजेंद्र सिंह, अमित ठेनुआ, रमेश सिंह, राकेश सिंह प्रधान, अनीश चौहान एडवोकेट, रॉबिन चौधरी, फूल सिंह एडवोकेट, डॉक्टर इरफान रामनिवास वर्मा जी, अजीत चौधरी, पिंटू चौधरी, चमन तोमर, डॉक्टर इरफान, सुभाष चौधरी, मोहम्मद इरफान, केपी सिंह, विनोद करण, रघुराज सिंह, अशोक चौधरी, देवेंद्र सिंह, रमेश चौधरी, डोरीलाल, फौरन सिंह, अनूप सिंह, प्रेमवीर सिंह, प्रेम सिंह, तेजवीर सिंह, विमल प्रजापति, संजय सिंह और दिगंबर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जैसा कि आज देख रहे हैं, देश के हालात बहुत खराब हैं। हमारी सरकारें देश के प्रत्येक व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने के लिए अपनी तानाशाही रवैया को अपनाए जा रही हैं। इसी वजह से हम सभी लोगों ने एक विचार किया कि ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की जाए जिससे कि सरकार में जितने भी सरकार को चलाने वाले पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे उनके मंत्री हों, एमएलए, विधायक, एमपी हों, तो हमारा उनकी बुद्धि को शुद्धि करने के लिए ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, जिनको तुमने इतनी काली बुद्धि दी, जिनको मंसूबे इतने काले हैं, काले सांप से भी बुरी बुद्धि इनकी हो गई है, इनकी बुद्धि को बदलने का काम करें। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए आज यहाँ पर ये हवन यज्ञ किए हैं और ये सोच करके किए हैं कि भगवान इनकी बुद्धि को बढ़िया स्वच्छ बनाए। जो जहरीली बुद्धि आज इनकी हो गई है, काले कानून ऐसे व्यक्ति के लिए लाए हैं, किसान के लिए, जो किसान इस देश को अन्न देता है। आज अगर किसान अन्न उगाना बंद कर दे तो देश में अन्न नहीं होगा, जिससे आज भूखों मरने पर पूरे देश को आमादा होना पड़ेगा। विदेशों तक के लोग भी कह रहे हैं कि सरकार मनमानी कर रही है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्हीं लोगों की बुद्धि को शुद्धि के लिए ये हवन यज्ञ चौधरी साहब के सामने इसलिए किया गया है क्योंकि चौधरी साहब भगवान के वो बंदे थे, वो ईश्वरीय दिन के एक व्यक्ति थे, जो इस देश के सर्वप्रथम व्यक्ति भी अगर मैं कहूँ तो इसमें दो राय न होगा। मैं और बता देता हूँ, इतना ईमानदार, स्वच्छ दिल का, स्वच्छ मन का, स्वच्छ भाव का, बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति, किसानों का मसीहा, मजदूरों के बारे में सोचने वाला पहले व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह जी। उन्हीं के समक्ष आज उनकी अंतरात्मा जहां से देख रही होगी, उनको कष्ट हो रहा होगा कि हे भगवान, तुमने ऐसे लोगों के हाथ में सरकार क्यों भेजी। केवल इन्हीं के सामने आज इन्हीं को ये दिखाया गया है कि देखिए, इस देश में आपके बाद ये हो रहा है, आपके किसान को ये पीड़ा पहुंचाई जा रही है।